हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नवरात्रों में खरीद लाएं ये 8 वस्तुएं, होगी धन की बरसात, मिटेंगे कष्ट, भाग्य उदय होगा और लाभ ही लाभ होगा। जी हाँ, बहुत से लोग नवरात्रों में खरीदारी करते हैं, लेकिन आज मैं आपको वही 8 वस्तुएं बताऊंगी। अगर आप इनको घर में लाएंगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, साथ ही साथ आपको धन का बहुत ही लाभ होगा। तो चलिए जान लेते हैं बिना देरी के कि हमें क्या ऐसा काम करना चाहिए, क्या चीजें लानी चाहिए। अगर आप लोग भी आरोग्य पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक कभी भी गाय का घी लाकर दीपक जलाकर माता के चरणों में रखें। इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर से सारी बीमारियां, कष्ट, कलेश सब दूर हो जाते हैं। अपना घर अगर आप बनाना चाहते हैं, हर कोई चाहता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में अपना वो घर बना पाए। बहुत से लोग ये सपना पूरा कर लेते हैं और बहुत से लोग इस सपने से लेकर जूझते रहते हैं रोजाना। अगर आप भी चाहते हैं अपना घर बनाना तो मिट्टी का छोटा सा घर लाकर पूजा स्थल में रख दें। इससे माँ की बहुत कृपा होती है, ये एक तरह का टोटका होता है और इससे सच में आपका घर बन जाएगा। ऐसा करके देखिएगा। अगर आप लोग भी विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो 9 दिनों में कभी भी पताका यानी ध्वजा या परचम खरीदकर 9 दिन तक पूजा करें। नौमी के दिन किसी भी देवी मंदिर में अर्पित कर दें, आपकी विदेश यात्रा संभव हो जाएगी। आर्थिक कष्टों से मुक्ति के लिए चांदी का कोई भी शुभ सामग्री लाकर या सिक्का लाकर देवी को अर्पित कर दें। इससे जितनी भी आपकी आर्थिक तंगी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर नौकरी में बढ़ोतरी चाहते हैं, पोजीशन चाहते हैं, 3 नारियल लाकर पहले घर में रखें और नौमी के दिन मंदिर में चढ़ाएं। इससे आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो धूप, सुगंध, अगरबत्ती, रुई या चमकेली सफेद सामग्री जरूर खरीदें। नवरात्रों के दिनों में नवरात्रि के दिन मोली खरीदकर उस पर 9 गांठ लगाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे सदा अपने पास रखें। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। अपार धन संपत्ति के लिए इन 9 दिनों में किन्नर से 1 पैसा लेकर तिजोरी या पर्स में रखें। ये बहुत पुराना टोटका है, बहुत सच्चाई है इसमें। अगर आपको कोई किन्नर अपनी मर्जी से आपके कहने पर, आपके बोलने पर अगर 1 रुपया भी दे देता है ना अपनी खुशी से, तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बदल जाएगी। सौभाग्य में वृद्धि के लिए समस्त सुहाग श्रृंगार सामग्री यानी कांच, काजल, कुमकुम, मंगलसूत्र, चूड़ी, कंघी, बिछिया, चुनरी खरीदें और काली माँ को 9वें के दिन चढ़ाएं। आपको बहुत लाभ होगा। ये कुछ बातें आपको जो मैंने बताई, इनका ध्यान रखें, आपके घर धन बरसेगा, आपकी सारी तकलीफें दूर होंगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर तो इसको बहुत ज्यादा करिएगा। यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ताकि सब लोग जान सकें कि नवरात्रों में क्या लाना शुभ होता है। क्योंकि हम बहुत सी खरीदारी तो करते हैं, लेकिन अपने घर सुख शांति समृद्धि बनाए रखने के लिए, धन बचाने के लिए हमें क्या खरीदना चाहिए वो जानना भी बहुत ही जरूरी है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।